देखते हैं फिर लेके आते हैं आप लोग। लगाने दीजिए ना, तब वीडियो लीजिएगा ना। खेला आते हुए खाएंगे ना, खेला आ चुका है। मशहूर चाय वाली ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता का स्टॉल कल पटना नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर स्टॉल को हटा दिया था, जिसके बाद जो प्रियंका गुप्ता हैं वो काफ़ी भावुक हो उठी और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को कोसा, सीधे कहा सरकार ने पैसे खाने का सिस्टम बना लिया है, मुझे सरकार से मदद चाहिए, सरकार से जगह चाहिए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पटना नगर निगम द्वारा जेसीबी से ग्रेजुएट चाय वाली के स्टॉल को हटाया जा रहा है। लेकिन जब एसडी न्यूज़ ने प्रमुखता से ये खबर चलाई और उसके बाद पटना नगर निगम की टीम हरकत में आ गई और उसके बाद कल देर रात जो स्टॉल है ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल, उसको वापस यथावत अपने स्थान पर यानी कि बोरिंग रोड में लाकर पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने लगा दिया। आपको बता दें कि पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इसके तहत जितनी भी तमाम सड़कों पर जो दुकानें हैं उन सबों को हटाया जा रहा है और इसी क्रम में जो ग्रेजुएट चाय वाली हैं उनका दुकान भी हटा दिया गया, जिसके बाद वो सीधे भागी भागी राबड़ी आवास पहुंची, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की और अपने लिए मदद मांगी। हमने कल देर रात आपको खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से प्रियंका गुप्ता काफ़ी भावुक हो उठी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही खबरें मीडिया में आई, खबरें तेज़ हुई, सुर्खियों में आई और उसके बाद जो है पटना नगर निगम की टीम हरकत में आ गई, बड़ी कार्रवाई की गई है पटना नगर निगम के अधिकारियों द्वारा और ग्रेजुएट चाय वाली के स्टॉल को वापस नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने वापस यथावत लाकर रख दिया है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देखिए देर रात किस तरह से पटना नगर निगम के कर्मचारी, वही कर्मचारी जिन्होंने उस स्टॉल को वहाँ से हटाया था, उन्होंने ही इज्जत से उस स्टॉल को लाकर वापस उसी स्थान पर लगा दिया, जिसके बाद प्रियंका गुप्ता भी वहाँ मौजूद हैं और वो अपने स्टॉल को ठीक से लगवा रही हैं, अपने देख रेख में लगवा रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गुप्ता मशहूर ग्रेजुएट चाय वाली हैं, जिन्होंने स्नातक करने के बाद MBA चाय वाले का वीडियो देखकर प्रेरणा ग्रहण किया और उसके बाद पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर उन्होंने चाय की दुकान खोली, काफ़ी सुर्खियों में आई। लगातार उनसे मिलने के लिए नेता अभिनेता सभी लोग पहुंच रहे थे, फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई थी और उसके बाद उन्होंने अपने स्टॉल को पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट से हटाकर बोरिंग रोड के पास ले गई और उसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ उनके दुकान पर जमा होती थी। कई नेता अभिनेता ने उनसे मुलाकात की है, हाल के दिनों में साउथ के अभिनेता विजय देवरकोंडा ने उनसे मुलाकात की, उनकी चाय पी, उनका हिम्मत बांधा। वहीं कुछ दिनों पूर्व जो भोजपुरी अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की थी और उनको प्रोत्साहन राशि भी दी थी, उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि इसी तरह खूब आगे बढ़ो और लड़कियों का नाम रोशन करो। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर थी कि उनके स्टॉल को हटा लिया गया था, लेकिन जैसे ही खबरें सुर्खियों में आई मीडिया में और उसके बाद जो प्रियंका गुप्ता का स्टॉल है वो वापस नगर निगम के अधिकारियों ने वापस लाकर लगा दिया है। ये दोनों तस्वीर आप एक साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले उस स्टॉल को दिन में हटाया जाता है और उसके बाद देर रात उस स्टॉल को वापस चुपचाप नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा वापस जहां से हटाया गया है वहीं पर लाकर पुनर्स्थापित कर दिया गया है, जिसके बाद प्रियंका गुप्ता कहीं ना कहीं मन ही मन थोड़ी शांत महसूस कर रही होंगी, काफ़ी खुश महसूस कर रही होंगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एसडी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।